नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। सर्वप्रथम कैसे हैं आप यह मुझे बता दीजिए, नहीं सही तो कमेंट में ही बता दीजिए कैसे हैं आप और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, जिसके अंतर्गत बहुत सारी परीक्षाएँ आयोजित होनी हैं, बहुत सारे रिजल्ट आने हैं और बहुत सारे की टाइपिंग और रनिंग भी होनी है। तमाम परीक्षाओं की बात करेंगे, भर्ती बोर्ड में हमारा जाना हुआ और वहाँ से क्या प्राप्त जानकारी है उसके बारे में भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, क्या है? कुछ पेपर कटिंग भी वायरल हो रही थी, तो सभी को लेके एक साथ आपके प्रश्नों का जवाब देने में यहाँ पे आया हूँ। हमेशा की तरह बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, बहुत कम वीडियोस होती हैं लेकिन बहुत ही जेन्युइन होती हैं और आपके ऐसे भरोसे के लिए हम कहीं ना कहीं इस रूट पर चलते हैं कि आपका भरोसा हमेशा बना रहे। सर्वप्रथम अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बात अपनी शुरुआत करते हैं कहाँ से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा, जिसमें पहले तो करीबन 26,744 पद थे। उसके बाद जो विज्ञप्ति आने की बात हो रही थी, जिसका टेंडर पास हुआ था, उसमें 26,382 पद का जिक्र किया गया था। लेकिन अभी पिछले मंगलवार को संसद में एक प्रश्नकाल में ही प्रश्न पूछा गया, जिसमें कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से या योगी सरकार की तरफ से जो खन्ना जी हैं, सुरेश खन्ना जी है ना, कार्यरत मंत्री भी हैं जो संसद के, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने जवाब ये दिया कि 26,744 और साथ ही साथ में पीएससी के भी कुछ पद, कुछ आरक्षी नागरिक पुलिस के, जिसमें जैसे आप सिविल बोलते हो, और कुछ पीएससी के भी, अगर आप इससे पूर्व की भी वैकेंसियों को देखें, जो 2018 वाली वैकेंसी थी उसमें भी जब 49,000 पद बढ़ के हुए थे, 42,000 पद बढ़ के हुए थे, तो उनमें जो संख्या बढ़ी थी वो किसकी बढ़ी थी? पीएससी की बढ़ी थी और उसमें भी पीएससी का अधियाचन बाद में आया था। सिमिलरली इसमें भी जो अब 2022 में परीक्षा होनी है, इसमें भी पीएससी का अधियाचन बाद में अभी 21 मई को दिया गया है। तो ये तो कंफर्म है कि पद आपके उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के बढ़ रहे हैं और टोटल जो पद हो रहे हैं वो 35,000 प्लस जा रहे हैं, 35,500 लमसम जा रहे हैं। जो कटिंग है वो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, हालांकि ये कटिंग आपने देख भी लिया होगा किसी न किसी माध्यम से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि 26,744 की जो ये बात की जा रही है, यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, और 8,714, और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 35,400 समथिंग पद होंगे, मतलब 35,500 पद आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कांस्टेबल भर्ती के आने हैं। और इसका टेंडर का भी काम चल रहा है। अगली जो वैकेंसी आनी है, सर्वप्रथम अगर बात किया जाए तो यूपीएसआई एएसआई के, यूपीएसआई के 850 पद और 200-250 प्लस पद जो हैं यूपीएसआई के, जिसमें स्टेनो और क्लर्क और मिनिस्ट्रियल जो भी हैं वो आने वाले हैं। तो दो ये वैकेंसी, एक आएगी, एक साथ ही उसका विज्ञप्त आएगा, उसके जस्ट बाद आपका कांस्टेबल का आएगा। ये दोनों बहुत ही जल्द आने वाली हैं। पेपर कटिंग को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अमर उजाला की कटिंग है, ये पता नहीं किस पे भी, अमर उजाला में भी छोटा सा ही सेक्शन, ये भी अमर उजाला का ही है, ये भी अमर उजाला का ही आप देख सकते हो। सुबह में 35,000 सिपाहियों की होगी भर्ती, और अमर उजाला ने ही निकाला, बाकी किसी न्यूज़पेपर ने निकाला भी नहीं था, तो इसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जो मुझे पता चली है, लगभग 35,000-35,500 पद बढ़ के आ रहे हैं और अभी भी पद बढ़ने की कुछ गुंजाइश है, मतलब ये 40,000 तक समथिंग जा सकती है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि 40,000 हो ही जाए, लेकिन 35,500 पद कन्फर्म आने की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे यूपी एएसआई वाले जो हमसे पूछ रहे हैं कि सर जो थर्ड लिस्ट है वो आएगी कि नहीं आएगी और इसका टाइपिंग कब होगा, तो एक बात मैं बता दूं कि टाइपिंग की प्रक्रिया आयोग के अंदर ही अंदर चलने लग गई है, ठीक है ना। तमाम जो विभाग हैं, तमाम जो जोनल जो कार्यालय हैं, नोडल कार्यालय जो हैं, वहाँ पे जोन वाइज बता दिया गया है कि आप टाइपिंग की व्यवस्था करते रहो और ये शीघ्र ही आपको इसकी जानकारी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे भी उपलब्ध हो जाएगी, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं ये डेट कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि कब तक होगा, लेकिन आप एक बात समझना कि 15 जून के बाद कभी भी आपकी टाइपिंग की डेट के बारे में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जिक्र कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। थर्ड लिस्ट के बारे में बहुत सॉलिड जानकारी नहीं मिली है, हालांकि ये पूरा जिसकी प्रक्रिया, जो डेटा फीडिंग की प्रक्रिया है, डीबीपीएसटी की जो प्रक्रिया है वो हो गई है और थर्ड लिस्ट की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी अगर जो बात उन्होंने कही थी पहले ही कि सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो हम तीसरी लिस्ट भी निकालेंगे, तो अब सबसे पहले जो होना है वो टाइपिंग होगा। टाइपिंग के बाद छटते हैं और पद कम होते हैं, तो शायद कुछ बच्चों को तीसरी लिस्ट के हिसाब से बुला लिया जाए, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा, ये बात आप दिमाग में रखिए। तो जो तीसरी लिस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो
एक बात अपने दिमाग में डाल लेंगे, साथ ही साथ में जो अन्य एएसआई की भर्ती आ रही है, एसआई की भर्ती आ रही है, कांस्टेबल में यदि आपकी एज है, एज पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर एज जो लिमिट है 4 साल का है, 18 से 22 साल मांगता है, और ये फाइनेंशियल ईयर का लिया जाता है, जुलाई से लिया जाता है। सपोज करिए कि अभी इस वर्ष ये जून चल रहा है, तो अभी संभवतः जो विज्ञप्ति आएगी वो जून में तो आएगी नहीं, जुलाई में आएगी, और जब जुलाई में ही आएगी तो इसी वर्ष की जुलाई, मतलब कि जुलाई 2 जुलाई 2022 से डेट लिया जाएगा, और उसके बाद आपका 1 जुलाई तक लिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे मिनिमम 18 से मैक्सिमम 22 साल की उम्र तक पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 25 साल तक। मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ थोड़ा सा, है ना, जो पुरुष के लिए होता है, मेल के लिए होता है वो 4 साल का होता है, 18 से 22, ठीक, आप ऐसे बोल दो 18 से 22 बोल दो, और जो फीमेल के लिए होता है वो होता है 18 से 25। बाकी सब में अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से एज रिलैक्सेशन होता है। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, मांग अपनी कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन दिलवाया जाए, कैटेगरीज को छोड़ के 1 साल का सभी को एज रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर इससे हम पूर्व भर्ती की बात करें तो जो 2018 में दूसरी बार भर्ती आई थी लगभग 49,000 पदों की, है ना, ये 31,360 जिसमें अनुसूचित ये वाले थे, आरक्षित अनुरक्षित, इसमें देखा जाए तो पूरा नागरिक पुलिस वाले और आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, मतलब पीएससी का प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, ये पीएससी मतलब ही होता है इसका, अगर देखा जाए तो इसके 18,000 पद थे और ये दोनों मिलकर लगभग 49,000 पद थे। तो ये जो आया था ये नवंबर 16, 2018 को विज्ञप्ति आई थी, इसमें इन्होंने एज रिलैक्सेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 1 साल का दिया था। ये साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस संख्या उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। और इसमें 22 वर्ष की जगह पे यहाँ पे क्या किया गया है, 23 वर्ष किया गया, महिलाओं का 26 वर्ष किया गया है, और ऐसे ही जो कैटेगरीज हैं उनको भी 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। तो एक बात समझिए, कोविड के दौरान कहीं ना कहीं 2018 के बाद से अब जो विज्ञप्ति आ रही है वो 2022 में आएगी, और 2022 का भी आधा वर्ष निकल चुका होगा, तो एज रिलैक्सेशन तो मिलना ही चाहिए। भले ही ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है, यूपीएसआई में मांग किए थे लेकिन यूपीएसआई में उन्होंने नहीं दिया, उसका कारण कुछ और था, ये यूपी कांस्टेबल में इनको देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक सही कार्यवाही करनी पड़ेगी। सही कार्यवाही क्या हो सकती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ट्विटर कंपेन करो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेल करो, मैं इसके साथ में कभी नहीं रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, उससे उस आयोग का क्या किसी भी आयोग का ट्विटर कंपेन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब केवल आपको अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और आपको भ्रमित करने का एक उपाय है। मैं आपको बहुत जो क्लियर है, आपने देखा भी होगा कि आज तक किसी भी ट्विटर कंपेन का कोई फायदा मिला नहीं है और ना ही भविष्य में मिलेगा। वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर कोई चीज़ हो रही है तो उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, और वो भी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में होता है, वो जो चाहें जैसा चाहें ट्रेंड कराएं ना कराएं उन पर होता है, कोई ध्यान भी नहीं देता। जो सही प्रक्रिया है, जैसे हमने यूपीएसआई एएसआई में भी करवाया है, भर्ती बोर्ड जाके अपनी बात मनवाई है, बहुत पोलाइटली मनवाई है और उन्होंने ऐसा किया भी है। तो अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है चाहिए तो कहीं ना कहीं टीम परीक्षा प्लस पूर्व भर्तियों के भांति ही आपके साथ कांस्टेबल भर्ती में भी आपके साथ खड़ी है, लेकिन उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तो मैं एक विशेष आग्रह ये करूँगा कि आप सभी लोग जो कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। साथ में ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। टीम परीक्षा प्लस अपने मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप उठाएगी जो भर्ती बोर्ड जाना होगा और तब आपकी आवश्यकता पड़ेगी। जितने ज़्यादा लोग आप जुड़ जाओगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ दोगे, केवल आपका जुड़ना ही यहाँ पे मायने नहीं रखता। देखिए, टीम आपके हित में सोचती है, आपके लिए प्रयास करती है, आपके लिए भर्ती बोर्ड जाती है, ये बिना सोचे कि उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर क्या कार्यवाही होगी, हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है और बहुत ही सही तरीके से खड़ी रहती है। तो फिर से टीम परीक्षा प्लस एक जिम्मेदारी अपने सर पे ले रही है कि आपको एज रिलैक्सेशन में दिलाना है तो दिलाना है, लेकिन उसके लिए आप और आप अपने ही साथ अपने मित्रों को भी जरूर जोड़िए। बाकी अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की कंप्यूटर ऑपरेटर में ये था कि कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि पहले यूपीएसआई एएसआई, फिर कांस्टेबल, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की विज्ञप्ति जारी होगी और ये सितंबर के पहले पहले जारी हो जाएगी, बट आएगी कन्फर्म, ये आप धैर्य बनाए रखो। तो इतना आपको जानकारी मैं यहाँ पर लेके आया था, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे बहुत ज़्यादा जानकारी आपको सॉलिड मिली भी होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर आते जाते एक
एक जानकारी रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं कि 5 जून रात 10 बजे टीम परीक्षा प्लस आपके लिए बहुत ही बड़ा उपहार लेके आ रही है। बहुत सारी भर्तियों के लिए, वो चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, वो चाहे पीईटी की भर्ती हो, वो चाहे टीचिंग एग्जाम में टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, जो आने वाली भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा आपके लिए गिफ्ट लेके आ रही है। तो 5 जून को रात्रि के 10 बजे सभी लोग परीक्षा प्लस चैनल पे जरूर आए, लाइव सेशन से जरूर जुड़े। ये आप वीडियो आप लाइव इवेंट पे लगा होगा तो पहले से ही आप उसे सेव कर लीजिए ताकि आप इसे चूके नहीं। यही जानकारी देनी थी, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।